दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोबाइल सेटिंग। आज मैं आपको मोबाइल की एक नई सेटिंग के बारे में बताने चाह रहा हूँ, डू नॉट डिस्टर्ब। आप नहीं चाहते कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको कोई डिस्टर्ब करे, तो उसकी सेटिंग आप कैसे करें। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि इसी से रिलेटेड, मोबाइल सेटिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आपको नेक्स्ट अपडेट में मिलती रहेंगी। आइएगा जानते हैं मोबाइल के अंदर कैसे आप सेट करें कि आप जिस वक्त में आप चाहते हैं कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई नोटिफिकेशन, कोई कॉल्स ना आए, उसकी सेटिंग आप कैसे करें। सबसे पहले आप मोबाइल के सेटिंग आइकन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डू नॉट डिस्टर्ब, या तो आप डू नॉट डिस्टर्ब पर क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन पर पहुँच सकते हैं, या फिर एक दूसरा ऑप्शन है जिससे आप डायरेक्टली मोबाइल के इसी ऑप्शन पर आप पहुँच सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल को डाउन करने के बाद। जैसे आप डू नॉट डिस्टर्ब के आइकन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है डू नॉट डिस्टर्ब। डू नॉट डिस्टर्ब के ऑप्शन में लिखा हुआ है डू नॉट डिस्टर्ब फंक्शन डिसेबल एन ऑडियो एंड वाइब्रेशन अलर्ट अनलेस यू हैव चेंज अलर्ट परमिशन। जब तक आप परमिशन को चेंज नहीं करेंगे, वो आपकी जितनी भी कॉल्स, मैसेजेस, अलर्ट्स होंगे उनको अवॉइड करेगा। साथ ही जैसे ही आप डू नॉट डिस्टर्ब के आइकन को ऑन करेंगे, मोबाइल के ऊपर मोबाइल स्टेटस बार में आप देखिएगा जहां बैटरी का सिंबल है, उसके साइड में हेडफोन का सिंबल है, ऑटो रोटेट का ऑप्शन है, उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन दिखा रहा है, एक मून का ऑप्शन बना रहा है। यदि मैं आपको इस ऑप्शन को ऑफ करता हूँ तो ये मून का ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। जैसे ही मैं यहाँ से ऑन करता हूँ तो मून का ऑप्शन आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कस्टमर के मोबाइल में यदि मून का ऑप्शन आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है। आइएगा इसकी सेटिंग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले डू नॉट डिस्टर्ब एट शेड्यूल टाइम। आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम में चाहते हैं कि आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, तो आप अपने टाइम को भी शेड्यूल कर सकते हैं। आइएगा इसके अंदर। जैसे ही मैंने यहाँ पर स्लीप टाइम मैंने एक्टिवेट किया हुआ है, जैसे मैंने इसे एक्टिवेट किया और मैं इसके टाइम को कस्टमाइज करना चाहता हूँ, तो मैं स्टार्ट टाइम रात 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक मैं नहीं चाहता मुझे कोई डिस्टर्ब करें। इसी तरीके से आप अपने प्राइवेट टाइम को सेव कर सकते हैं कि उस टाइम के दौरान आप किसी मीटिंग के अंदर हैं या फिर आप कहीं पर भी ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो आप उसे सेट कर सकते हैं। इसमें आप टाइम डेट भी सेट कर सकते हैं कि आने वाले मंडे को मैं 11 बजे से 12 बजे तक एक कॉन्फ्रेंस हॉल में होऊंगा, मैं नहीं चाहता कि उस टाइम मुझे कोई डिस्टर्ब करें, तो उस टाइम पे भी आप टाइम को कस्टमाइज प्लस डेट को डे को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने यहाँ डेली चूज किया गया है क्योंकि मुझे डेली ऑप्शन है। उसके बाद ये आपको सेटिंग सेव करनी होगी। सेव करने के बाद ये आपका टाइम कस्टमाइज हो गया है कि आपको किसी भी तरह का शेड्यूल टाइम के दौरान डिस्टर्बेंस नहीं होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं कि डिस्टर्बेंस मैं एक्सेप्शन केस में मुझे क्या चाहिए। एटलीस्ट मुझे नोटिफिकेशन आते रहें। मैं चाहता हूं कि यदि मेरा डू नॉट डिस्टर्ब ऑप्शन ऑन है, उसके बावजूद भी मुझे नोटिफिकेशन आते रहें, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे मोबाइल के अंदर मैं किसी भी तरह की मैसेज या कॉल को अलाउ करूं। यदि मैं अलाउ करता हूं कि कोई भी मुझे कॉल कर सकता है या कोई भी मुझे मैसेज कर सकता है, तो वो वहाँ पर मैसेज मुझे आते रहेंगे। यदि मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेरे कॉन्टैक्ट से रिलेटेड ही जितने भी मेरे लोग हैं वो मुझे मैसेज करें, तो ये ऑप्शन भी आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं, या फिर स्टार्टेड कॉन्टैक्ट्स ओनली। उसके बाद ऑप्शन है आपके पास अलाउ कॉल्स फ्रॉम। आप किन लोगों से, किस ऑप्शन से आप कॉल्स को अलाउ कराना चाहते हैं, कोई भी आपको कॉल कर सकता है, या फिर आप ओनली फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं वो ही कॉल करें, या फिर स्टेटेड कॉन्टैक्ट्स ओनली, या फिर कॉन्टैक्ट्स के अलावा जो लोग हैं वो कॉल कर सकते हैं। जो भी आप ऑप्शन चाहें तो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, ये जैसे ही मैंने इसे ऑन किया तो उसके बाद ऑप्शन आया लास्ट में रिंग फॉर रिपीटेड कॉल्स। इसमें ऑप्शन है यदि आपको 3 मिनट के अंदर एक इंसान रिपीट कॉल करता है तभी आपके मोबाइल पर रिंग ऑप्शन होगा। कभी कभी घर से इमरजेंसी होती है या कहीं से भी इमरजेंसी कॉल है, एक इंसान 3 मिनट के अंदर यदि आपको कोई 2 कॉल करता है तो यहाँ पर रिंग अलर्ट आपको मिलेगा यदि आप इस फंक्शन को ऑन करते हैं। ये है आपका डू नॉट डिस्टर्ब फंक्शन। इसे आप 2 तरीके से ऑन कर सकते हैं, या तो आप अपने मोबाइल के सेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद डू नॉट डिस्टर्ब के ऑप्शन को ऑन कीजिएगा। जैसे आप इसे ऑन करेंगे आपके स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पर एक
मून का सिंबल बनाएगा, चांद का सिंबल बनाएगा। आप समझ जाएगा कि मोबाइल में आपका डू नॉट डिस्टर्ब ऑप्शन ऑन है। यदि आप यहाँ से भी ऑन नहीं करना चाह रहे हैं तो मोबाइल के अंदर सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। मोबाइल के नोटिफिकेशन पैनल को आप ड्रॉप डाउन कीजिएगा, वहाँ पर एक ऑप्शन है डू नॉट डिस्टर्ब। जैसे आप डू नॉट डिस्टर्ब की ऑप्शन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे आप डायरेक्टली उसी पेज पर पहुँच जाएंगे। थैंक यू सो मच, आई होप ये सेटिंग आपको समझ आई होंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सेटिंग आपको कैसी लगी और समझाने का तरीका कैसा लगा। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।